बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं चिकन टिक्का मसाला रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो है चिकन को मैरिनेट करने का। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं पहले बताती हूँ। चिकन हमने लिया है 1.5 kg, और इसके लिए 2 टेबल स्पून सिरका है, 1 कप दही, 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, और मसालों में हमारे पास 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। तो चलें इसकी मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन के लिए एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें हम तमाम चिकन डालेंगे। वन टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून सिरका डालेंगे, अगर लेमन जूस है तो वो भी डाल सकते हैं आप, 1 कप दही डालेंगे, और अब मसाले डालेंगे। तमाम खुश मसाले इसमें डाल दिए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। इसके स्टेप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला चिकन के ऊपर कोट हो जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तमाम मसाले को हमने मिक्स कर दिया है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, फूड कलर डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून चिकन मैरिनेशन में। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वह मसाला मिक्स हो गया है, इसको आधा घंटा हम इसकी मैरिनेशन रखेंगे, जब तक हम ग्रेवी के लिए आप बताते हैं तमाम इन्ग्रीडियंट्स। अब मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो चिकन टिक्का मसाला में ग्रेवी बनाने के लिए काम आएंगी। वो हैं, 2 प्याज लिए थे हमने, इसकी हमने पेस्ट बना ली है, और 4 टमाटर लिए थे उसकी भी पेस्ट बना ली है, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट है, 1 कप दही और 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च। हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसको आधा घंटा हो गया है, उसको हम कुक करते हैं। चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने तवा रखा है, नॉनस्टिक तवा, इसके ऊपर हम इसको गरम कर लिया है। अब तमाम पीसेस को एक एक करके इसके ऊपर रखते जाएंगे। इसको हमने 5 मिनट तक रखना है, एक साइड से कुक हो जाए उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तमाम चिकन पीसेस इस तरह लगाते जाएंगे। चिकन हमारा 5 मिनट तक कुक हो चुका है एक साइड से, अब इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, टिक्का मार्क आ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह कुक हो चुका है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हम 5 मिनट तक इसको कुक होने देंगे। जी बस 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन दोनों साइड से कुक हो चुका है, बहुत अच्छी बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। इसको हम निकाल लेते हैं, चिकन क्योंकि हमारा ज़्यादा था, अब बाकी का चिकन इससे हम कुक कर लेते हैं। हमने तमाम चिकन को बारबेक्यू कर लिया है, ये देखें बारबेक्यू मार्क्स बहुत अच्छे आ चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम साथ ही चिकन टिक्का मसाला की ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हम पहले ऑयल डालेंगे, 1 कप हमने ऑयल लिया है। इसमें हम प्याज डालेंगे, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज को अच्छी तरह
फ्राई कर लेंगे। प्याज का पेस्ट बनाया था ताकि अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो। साथ में हम डालेंगे गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको सोते कर लेंगे। प्याज और लहसुन पेस्ट उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करते हैं हम टमाटर का पेस्ट। साथ में डाल देंगे मसाले। जी बस चिकन टिक्का मसाला की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इसमें हम चिकन शामिल करते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। साथ में हमने 1 कप दही लिया था जिसको हमने बीट कर दिया है, वो शामिल करते हैं ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। इसको मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक इसको हल्की आंच पे कुक करेंगे। इसको हम कवर कर देते हैं। जी भी 10 मिनट तक हमने इसको हल्की आंच पे पकाया। जो दही का पानी था वो ड्राई हो चुका है और चिकन भी गल चुका है। देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब चिकन टिक्का मसाला को हमने कोयले से धुआं लगाना है। दूसरे फ्लेम पे हमने कोयले को गर्म कर लिया है। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो वो रख लें, अगर नहीं है तो आप प्याज रख के उसके ऊपर डाल सकते हैं या रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम 10 मिनट तक कवर कर देंगे। जी व्यूअर्स, हमने जलता हुआ कोयला रखा था और 4 मिनट तक इसको दम लगाया था। अब हमारे 4 मिनट हो चुके हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। चिकन टिक्का मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इसमें हम डालते हैं हरा धनिया, इसको मिक्स करते हैं। आप इसको भुना हुआ भी बना सकते हैं और इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं, जिस तरह आप चाहें। ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार बना है। इसको हमने नॉनस्टिक पैन में बारबेक्यू किया था, आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।